एक पावरफुल आएंगे ना तब वो अपनी बात भी रख पाएंगे। तो इसलिए जरूरी थोड़ा ना एक ही पार्टी हो तभी वो राज करेगी। ठीक है छोटा छोटा चल रहा है कि पार्टी अपने उन मुद्दों पे काम नहीं करती जिन पर बात करती है। और पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हम अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन मूर्ति पूजा करते हैं, तब ये कैसा अम्बेडकरवाद है? महिलाओं के लिए बात करते हैं लेकिन आप महिलाओं को ही शामिल नहीं करते, तो ये कैसा महिलावाद है? और हो सकता है वो लोग हमें वोट भी ना दें फिर भी हम लोग उनको खुश करने में लग रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है। एक ही रखिए ना, एक ही जाति बना दीजिए हम लोग खुश हैं, या तो सबको शूद्रा बना दीजिए या सबको सवर्णा बना दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं मूक नायक की फाउंडर। मूक नायक एक ऐसा चैनल जो लगातार आगे बढ़ रहा है और देश विदेश में उसकी पहचान बन रही है। तमाम जो आपने स्पीच में मीना कोटवाल मैम की स्पीच में आपने सुना था, मैम क्या कहेंगे, देश में इन दोनों चर्चा चल रही है और तमाम संगठन हैं, तमाम पार्टियां हैं और स्पेशली बहुजन समाज है वो एक चर्चा चला रहा है कि 2024 में दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप उसको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल में आप बुलाया आपने। देखिए दलित प्रधानमंत्री बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें आप शामिल कीजिए अपने साथ। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, आप लोग हमें इतना इग्नोर नहीं कर सकते कि हर जगह जो है पावरफुल जगह जहाँ पर है आप ही लोग अभी हैं, हम लोग तो कहीं दिखाई नहीं देते। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल होना चाहिए और मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी कि प्रधानमंत्री होना ही चाहिए। बाकी जो लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि राष्ट्रपति बन गए या और भी दूसरे लोग दलित आदिवासी उससे आए, ये आना भी ज़रूरी है क्योंकि जो कम्युनिटी अभी सदियों से शोषण झेल रही थी उसका आना ज़रूरी है, उसका कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आएंगी और पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से अभी दबाव बना रही है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पार्टीज पर डिपेंड भी करता है। तो पहले आ तो जाए, जब एक पावरफुल आएंगे ना तब वो अपनी बात भी रख पाएंगे। अच्छा मैम एक चीज़ और है कि लगातार लोग SC ST OBC की बात करते हैं और माइनॉरिटी को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर हम धरातल पे देखें, ज़मीनी तौर पर देखें, तो जो SC कम्युनिटी है वो OBC से अलग हो रही है और OBC कम्युनिटी है वो SC से अलग हो रही है। अब मैं पार्टियों की ही बात कर लेता हूं। अगर SC कम्युनिटी में हम देखें तो मायावती हैं, BSP पार्टी है, और वहीं OBC की अगर हम पार्टी देखें अखिलेश यादव है उसमें, और फिर बिहार में तेजस्वी यादव है। तो ये जो पार्टियां ये आपस में एक नहीं हो रही हैं तो फिर कैसे वो 85% का जो सपना काशीराम ने देखा था वो कैसे पूरा होगा? देखिए बहुजन का जो नाम है वही काशीराम जी ने दिया था कि बहुजन शब्द ही उन्होंने दिखाया था जिसमें उन्होंने दलित आदिवासी OBC माइनॉरिटी सब उन सबको शामिल किया था। और जिस तरह से पार्टियाँ अलग अलग बन रही है, आप देखिए BSP UP में है ना, और ये सपा भी UP में है और बिहार में अलग पार्टी है। तो ज़रूरी नहीं है ना, बहुत सारे जैसे हम लोग बहुत सारे मैं जगह जाती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतने छोटे अलग अलग चैनल क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं हो जाते? आप सोचिए अगर एक चैनल होगा तो वो एक ही बार बात दिखाएगा ना। अगर अलग अलग होंगे तो अलग अलग बात जाएगी। मान लीजिए कोई भी मुद्दा हो, हम लोग हाथरस वाला मामला ही ले लेते हैं। हाथरस वाला मामला हम लोगों ने इतना बड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि इतने सारे हम लोग यूट्यूबर्स लग गए थे, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया से तो हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। अलग अलग करके सबका अलग अलग ऑडियंस है, सबकी अलग अलग बात पहुंची, सबका अलग अलग जो है क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ वो बात पहुंची और बहुत पावरफुल। लेकिन मैम यूपी एक होता तो क्या लगता आपको इतना पावरफुल हो पाता? तो इसलिए जरूरी थोड़ा ना एक ही पार्टी हो तभी वो राज करेगी। ठीक है छोटा छोटा चल रहा है लेकिन मैम वोट परसेंटेज भी तो है ना, वो भी तो अलग अलग होगा। अभी चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं, ASP का बड़ा जबरदस्त ग्रोथ कर रही है वो। अलग अलग हो रही हैं, बिल्कुल सही बात है, और सबका अपना अपना एक ऑडियंस भी है, सबका अपना अपना एक अलग वोट बैंक भी, और कई सारी जगह चेंज भी हो रहा है। लेकिन कई बार होता है कि पार्टी अपने उन मुद्दों पर काम नहीं करती जिन पर बात करती है, तो ये तो अब वोटर्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन बात कर रहा है और कौन उस पर खरा उतर रहा है, तो ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का कुछ नहीं होता। लेकिन मैम विचारधारा तो है ना, विचारधारा अम्बेडकर, अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग सिर्फ विचारधारा, अगर आप कहेंगे अम्बेडकर को हम लोग मानते हैं पेरियार को हम लोग मानते हैं, लेकिन इन्होंने कभी मूर्ति पूजा का जो है साथ नहीं दिया, हमेशा इनके विरोध में ही काम किया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हम अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन मूर्ति पूजा करते हैं, तब ये कैसा अम्बेडकरवाद है? महिलाओं के लिए बात करते हैं लेकिन आप महिलाओं को ही शामिल नहीं करते, तो ये कैसा महिलावाद है? तो ये डिपेंड करता है कि आप बातों में क्या है और करने में क्या है। करनी और आपके बोलने में, कथनी और करनी में अलग अलग हो रहा है, तो वो एक होगा ना तभी आप जो है
है असल मूवमेंट को चला पाएंगे। और जब अगर आप असल मूवमेंट को चलेंगे, जब पॉलिटिक्स में आते हैं ना, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, ज़्यादातर आप किसकी लड़ाई पॉलिटिक्स को आपको देखेंगे, किस में लड़ाई करते, वो जो 5% है लोग हैं, 5% नहीं है, उनके लिए सब लोग तैयार रहते हैं कि हम लोगों को उन्हीं को खुश करना है। आप 85 तो भूल ही जाइए, 85 को तो वो छोड़ ही देते हैं कि इनको भी खुश करना है। तो मुझे तो खुद आश्चर्य लगता है कि हम लोग 85 को छोड़ के उन लोगों को खुश करने की जद्दोजहद कर रहे हैं जो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम जगह, और हो सकता है वो लोग हमें वोट भी ना दें, फिर भी हम लोग उनको खुश करने में लग रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है, मुझे समझ भी कम आ। लेकिन बाबा साहब ने तो कहा था भाई सत्ता की चाबी है और वहीं से सारे ताले खुलेंगे। क्योंकि देखिए सत्ता में आना ज़रूरी है, हमारे लोग सत्ता में नहीं है, इवन कहीं भी पावरफुल लोगों जहाँ पे होंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, लेकिन अब वो आते 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 बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा मैम, बीच में भी ये शूद्र शूद्र का भी मुद्दा चला है, तो क्या लग रहा है ये शूद्र वाला जो मामला है, इससे बहुजन क्या लग रहा है आपको अट्रैक्ट होगा या फिर अपनी पार्टी के बारे में सोचेगा, या जो शूद्रा कहा किसे गया है और क्यों कहा गया है भाई शूद्रा उनको? हम इंसान हैं, हमें एक रखिए। आप कहते हैं कास्ट नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, तो फिर क्यों शूद्रा और इन सब में डिवाइड कर रहे हैं आप? एक ही रखिए ना, एक ही जाति बना दीजिए, हम लोग खुश हैं। या तो सबको शूद्रा बना दीजिए या सबको सवर्णा बना दीजिए, हम लोग खुश हो जाएंगे। हम लोग कहेंगे कास्टिज्म है ही नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ अब कई सारे लोग कहते हैं कि अच्छा सरनेम नहीं लगाते, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, हम तो सरनेम नहीं लगाते, हम लोग कास्टिज्म पर विश्वास नहीं करते। क्या सिर्फ सरनेम ना लगाने से ही कास्टिज्म खत्म हो जाएगा? कास्टिज्म, आप कास्ट का ना बहुत इजी पता किया जा सकता है, आपके रहने उठने बैठने खाने पीने, इससे सबसे पता लगाया जा सकता है। तो सिर्फ ये सिर्फ एक ही जाति के लोग शूद्रा कहलाएं और एक दूसरे जाति के मैम, लेकिन इसके पीछे का जो लोग ही ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे का जो पूरा गेम ये है कि जितना भी SC और OBC जो है उसको एक साथ एक मंच पे लाने की बात चल रही थी, 2024 का पूरा गेम पलटने की बात चल रही थी। हाँ, क्योंकि इस समय जो पावरफुल पार्टी है अभी तो सब उसी को हराने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ये जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, वो लोग भी बोल नहीं। तो आपको क्या लगता है शुद्रा शुद्रा कहने से कुछ चेंज होगा? शुद्रा शुद्रा चेंज नहीं, कहने से चेंज नहीं होगा, करने से चेंज होगा। मैंने कहा ना कथनी और करनी में चेंज है, तो आप कहो वही जो कर सकते हो। करना क्या चाहिए? ना एक करना चाहिए आपको, आप उनके लिए तो काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ आप वोट बैंक के लिए आप काम करते हो। सबको हिंदू भी बनाना है आपको, सबको शुद्रा भी करना है आपको, तो ऐसे काम थोड़ा ना चलेगा। या तो एक करिए या फिर जो अलग अलग है उनको फिर ये सारा कास्टिज्म खत्म कीजिए। और अभी बीच में कुछ चौपाइयाँ भी वायरल हुई थी, क्योंकि आप तो खुद ही पत्रकार हैं, इतना बड़ा आप चैनल चला रहे हैं, तो उन पंक्तियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यही ना, शूद्र पशु, हाँ ढोल गवार शुद्र पशु नारी सब तारण के अधिकारी। तो वो देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि तारण का मतलब होना है ना ढोल गवार सबको मार के भगा दो या उनको उनका धिक्कार करो। तो अभी जिस प्रेस ने छापा था उस प्रेस ने कहा कि हम लोगों ने तो उसको शिक्षा के लिए कहा है कि वो तारण मतलब होता है शिक्षा प्राप्त करना। तो अभी पहले भी मुझसे भी थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था, तो शिक्षा अगर है तो उसमें ढोल गवार पशु नारी ही क्यों है, उसमें सवर्णा भी हो। गूगल पे अभी भी आप सर्च करेंगे तो उसमें तारने का अर्थ वही शोषण है। वही मैं कह रही हूँ, शोषण ही है, वो शोषण ही था। लेकिन जैसे ही इनको लगा कि अच्छा ये कम्युनिटी भी अब पढ़ के आ रही है, ये तो अपना मतलब जान रही है, अगर ऐसा करेगी तो बहुत सारी चीज़ें बिखर सकती हैं उसमें, तो उन्होंने कहा चलो इसको ना शिक्षा कर देते हैं। उस प्रेस ने उसको शिक्षा कर दिया। लेकिन अब हम इतने समझदार हो गए कि किसका क्या मतलब है, अगर शिक्षा का अधिकार देना था तो सबको दो, अपने अपने आप को क्यों वंचित किया? क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ तो आप ही ने लिखे हैं, अपने आप को तो ऐसे वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो अच्छी अच्छी मलाई है वो तो आपने रखी और जो खराब चीज़ फेंकने वाली थी वही तो उन लोगों के हाथ में रखी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तारण का मतलब जो है शिक्षा। अच्छा, OBC में हम अभी जातिगत जनगणना को लेकर भी काफ़ी माहौल गर्म है इस समय पूरे देश में, आपको क्या लग रहा है जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भाई, जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब ये जनगणना होगी। इतनी पुरानी जनगणना हो चुकी है तो अभी क्यों जनगणना नहीं हो रही? हर साल कई बार उसके आंकड़े लाते हैं पर बाहर नहीं निकालते हैं। तो जनगणना ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पता चले कहाँ कहाँ पे जुडिशरी में, एजुकेशन में, मीडिया में भी हम लोग देख रहे हैं हर जगह कितने कितने परसेंट लोग हैं ये नॉट फाउंड सुटेबल कह देते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि उनको लगता है कि ये पढ़ते नहीं हैं, मेरिट के ऊपर बात होती है। तो जिसकी जनसंख्या है उतने लोग होने चाहिए। जैसे अभी डाटा शेयर किया गया था, उन्होंने मुझे डाटा भी दिया किस बैंक में कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। तो आप ये देखिए कि दलित, मैं तो दलित वाला ज़्यादा देख रही थी, आप ये देखिए, अब देखिए स्टेट बैंक का है, ठीक है, अब इसमें सामान्य देखिए कितने हैं और SC देखिए, ST देखिए, OBC देखिए, कई जगह 0000। तो OBC सबसे ज़्यादा है इस देश की जनसंख्या, फिर भी वो 0000। तो क्या कोई भी एक नहीं मिला उनको? नॉट फाउंड सुटेबल हो गए, ये उनकी हकीकत है
कि जनसंख्या इतनी है लेकिन फिर भी वो लोग नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जनगणना से जो है वो एक जाति भेद होगा देश में, और जाति भेद क्या, अभी क्या एक रह रहे हैं हम लोग, क्या एक साथ हैं, कितने अलग अलग हैं, शादियां अपनी जातियों में देख के होती है, दोस्त यारी एक बार को बना भी लेते हैं क्योंकि अपने आप को लिबरल और प्रोग्रेसिव भी कहलाना है, लेकिन शादियां तो आज भी, क्योंकि सबसे बड़ा बाबा साहेब भी कहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, इंटर रिलीजियस मैरिज होनी चाहिए, इसी के वजह से जो आपका धर्मवाद है और जो आपका जातिवाद है वो ख़त्म होगा, क्योंकि जो नई पीढ़ी आएगी वो दोनों धर्मों और दोनों जातियों को मानेगी, ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन क्या हो पा रहा है? तो अभी कौन सा एक है भाई जो ये डेटा आने पर अलग अलग हो जाएंगे? फिर से मैं उसी सवाल पे आता हूँ जिससे स्टार्टिंग की थी मैंने, 2024 में क्या लग रहा है आपको, दलितों का कुछ होने वाला है या ऐसी? देखिए मैंने कहा ना कि सरकार कितनी आई और गई, हम दलितों का कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पे इतना वो भी नहीं करती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन हम लोग जिस तरह का काम करते हैं वो इनडायरेक्टली उससे उस पर फोकस हो ही जाता है। तो सरकारें सिर्फ हम लोगों को वोट बैंक समझती हैं, जब तक हम लोग पावर में नहीं आएंगे, जब तक हम अपने शिक्षा नहीं करेंगे, हम लोग डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो ठीक है 24 का देखते हैं क्या होगा कुछ। तो ये मीना कुटवाल जी थी मूक नायक की फाउंडर, और तमाम सवालों के जवाब जो दिए हैं, आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।